यो चायपत्तीको अहिले सिजन छ भरपुर एकदमै। गुड मर्निङ एभ्री वान। हजुर, यो थर्ड वर्ल्ड स्टेट दार्जिलिङ मिरिक, अनि यता चाहिँ पर्यो गोपालधारा टी स्टेट, यो गोल पहाड छेउछाउको। यो एकदमै बिहानीको अनुपम दृश्य, अमेजिङ, एकदमै खुब सुन्दर दृश्य यहाँ चाहिँ अवलोकन भइरहेको छ। चायपत्ती नयाँ नतुन गाछ, यसरी नै यो दृश्यहरू एकदमै सुन्दर लागिरहेको छ हजुरहरूलाई पनि। आप सबैको अच्छा लागिरहे होंगे। हे हे दार्जिलिङ मिरिक थर्बुट स्टेट गोल पहाड, और यहाँ से हम जितने ऊपर चढ़े करेंगे चाय बगान के, गोल पहाड़ उतना नज़दीक आते जाएंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये बहुत ही, यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पे बहुत इंजॉय करने के लिए आते हैं मेरी गोल पहाड़ में। और यहाँ पर विशेष रूप से रहने खाने सोने हर चीज़ का व्यवस्था है गोल पहाड़ में। होम स्टे बहुत प्रशस्त मात्रा में है। 6 बजे का साइरन भी बज गया। छः बजे का जो साइरन है, इसके बाद का जो साइरन है उसके लिए सभी काम चाय बगान में काम में जाना पड़ता है, और वहाँ पे चाय पत्ती टिपके अपना गुजारा करते हैं लोग जितने भी लेबर्स हैं। ये देखिए, अब ये जो रॉक दिखाई दे रहा है ये छोटा सा, यहाँ पर फोटो खींचने के लिए बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, विशेष टूरिस्ट सही लेने के लिए। ये हमारा गांव है थर्बु टी स्टेट बाखर गांव, उस्ताब कर्सिंग। ये पहाड़ी के ऊपर अभी सुबह सुबह का टाइम, इसलिए सांस भी फूल रहे। ऊपर चढ़े, एक चिड़िया भी बैठा है रॉक के ऊपर, अच्छा दिखाई दे रहा है।
जिसको हम डुक्कुर बोलते हैं। ये देख, ओ चला गया। ये है गोल पहाड़ जो आप कहीं नहीं, यहाँ पे आके इस सुंदर नज़ारा का आप लोगों ने दर्शन किया है। यहाँ से दार्जिलिंग मिरिक खरसाङ इस तरफ नेपाल पूरा पूरा अच्छा सा दिखाई देता है। यहाँबाट हेर्दा चाहिँ एकदमै यो बसिरहँ जस्तो लाग्छ। यहाँ आएर टुरिस्टहरूले एकदमै मजा मजाको फोटोहरू क्याप्चर गरेर लान्छ आफ्ना हनीमुनहरू मनाउन आउँदा। एकदमै सुन्दर छ यहाँबाट, यहाँ चढेर यस्तो चढेर देखेन, यहाँबाट हाई तल एकदमै सुन्दर देखिन्छ। यस हजुरहरू आउनुहोस् यहाँ घुम्नुको लागि। यहाँ बिहानै मानिसहरूले गाईहरूलाई आफ्नो कुखुरा बाख्राहरूलाई चारो खोले घाँस दिनको लागि यसरी व्यस्त रहन्छ बिहानदेखि नै। एकदमै गाईहरू यहाँ कराइरहेको। अब यहाँबाट म सिधै यो चायपत्ती चाय बगानको बिचैबिच जाँदैछु। अरे चाय बगानको बिचोबिच हो त्यो है, म यहाँ से आप लोगों को जो मेन रोड है दार्जिलिङ मिरिक सिलगढी, इसका आप लोगों को मैं देखाऊंगा। अनि हजुरहरूले पनि हेर्नु होला, सबैले कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई। यो यहाँबाट सट्टै आएपछि यसरी चारैपट्टि चाय बगानकै बगान छ, यसरी एकदमै हाई कलो पाहाडे पाहाड भएर देखिए